गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने इस लेसन में पशु के प्रति प्रेम की भावना या दया की भावना दर्शाई है। यानी करामत अली और ज्ञान सिंह ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ज्ञान सिंह की ड्यूटी खत्म होने के बाद में या उसकी रिटायर होने के बाद में वह उसकी जो गाय है लक्ष्मी वह करामत अली को भेंट स्वरूप देता है और करामत अली अपने जी जान से भी ज्यादा उस गाय की देखभाल करता है। करामत अली एक दिन बहुत उदास रहता है और ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद में उसका जो दोस्त है नईम उसको कहता है कि तू इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है, इतना उदास क्यों है, इतना दुखी क्यों है, क्या हुआ है। तब वह बताता है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका यानी दीर्घ निश्वास लेते हुए वह कहता है, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। यानी नईम उसको बताता है, जो उसका दोस्त है नईम वह कहता है कि तेरी जो परेशानी है गाय के बारे में है ना, तो ऐसा करेंगे गाय को बेच देंगे, तेरी जो ये परेशानी है वह खत्म हो जाएंगी। और उस बात के लिए करामत अली ठीक है तैयार हो जाता है। तब जब लक्ष्मी की बेचने के लिए वह तैयार होता है। बहुत आसान तरीका है लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। यानी नईम उसको सलाह देता है कि तेरे परेशानी का जो कारण है लक्ष्मी है ना, तो हम क्या करेंगे, तो लक्ष्मी को बेच देंगे, फिर तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। वह अपने दोस्त के साथ सलाह मशवरा करता है और बाद में अपने काम पर जुट जाता है, यानी काम करने के लिए व्यस्त हो जाता है। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। यानी रात को वह कारखाने में गया, तब रात की ड्यूटी थी उसकी, सवेरे सवेरे वह घर लौट आता है। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। यानी रात की ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद में जब वह सवेरे घर आता था, तब सवेरे घर आने के बाद में लक्ष्मी का वह दूध निकाला करता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, यानी जब वह घर आता है सवेरे 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 घर आने के बाद में सबसे पहले उसका काम है कि लक्ष्मी को धोता था यानी दूध निकालता था लक्ष्मी का। तो वो घर आने के बाद में अपनी जो पत्नी है रमजानी उसको पूछता है सबसे पहले, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। यानी लक्ष्मी खूंटे पर वैसे ही बंधी है कि लक्ष्मी को वह पूछता है कि लक्ष्मी यानी रमजानी को वह पूछता है कि लक्ष्मी ने चारा खाया है कि नहीं खाया है, चारा दिया है कि नहीं दिया है। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। यानी वह अपने पति को उत्तर देती है, यानी करामत अली को कहती है कि मैंने रहमान को बताया था कि लक्ष्मी को चारा दो, यानी चारा उसके सामने डालो, ऐसे मैंने रहमान को कहा था। रहमान ने डाला है कि नहीं डाला है यह मुझे पता नहीं है, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। यानी करामत अली अपने बीबी को कहता है, यानी डांटता है वह कि तुम दोनों की मर्जी होती तो लक्ष्मी को चारा मिलता और लक्ष्मी भरपेट चारा खाती, पर तुम दोनों की नियत ही नहीं है, तुम दोनों घर में उसको चारा देते ही नहीं हो। यानी करामत अली की जो पत्नी है रमजानी और रहमान ये दोनों लक्ष्मी को चारा देती ही नहीं है। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। यानी करामत अली कहता है कि उसने दूध नहीं दिया तो हम क्या उसे भूखा रखेंगे, पर वह कुछ बोल नहीं सकती है या बता नहीं सकती है, तो खूंटे पर हम उसको बांधेंगे तो उसको चारा तो हमें खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जानवर है, वह क्या इंसान है क्या कि वह बोलेगा क्या बताएगा कि मुझे भूख लगी है। वह कुछ भी कह नहीं सकती है, पर उसके जो आंखें हैं वह सब कुछ हमें कहते हैं। ऐसे करामत अली अपने पत्नी को समझाते हैं। कहते हुए करामत कटा हुआ पुलाव खली और दर्रा आदि लेकर जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यानी वह सानी तैयार करता है लक्ष्मी के लिए, एक
प्रकार का वो चारा ही है, चारा तैयार करता है। उसमें वो पुलाव, खल्ली और दर्रा यानी जो जो घास फूस है वह और जो अनाज के टुकड़े हैं वह सभी लेके वह सानी तैयार करता है और लक्ष्मी को देता है खाने के लिए। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सानी में मुंह मारने लगी, यानी वह तैयार ही कर रहा था तभी लक्ष्मी को इतनी भूख लगती है कि वह पूरी तरह से सानी को तैयार भी नहीं करने देती और वह खाने की यानी खाने को शुरुआत कर देती है, खाती है उसमें से। गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा, यानी करामत अली क्या करता है कि गाय के सामने सानी रखता है, गाय सानी देखकर गाय सानी में मुंह डालती है खाने के लिए तैयार रहती है। तब तक करामत अली उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और देखता है कि जख्म बैठे है कि नहीं बैठे है, ऐसा वह करामत अली देखता है। रोगन ने अच्छा काम किया था, यानी वह उसके पीठ। तो लक्ष्मी सानी खाने के लिए तैयार रहती है, सानी उस खाने पर वह गुम हो जाती है। तो करामत अली उसके पीठ पर हाथ फहराता है और कहता है कि रोगन ने अच्छा काम किया है, उसके जो जख्म है वह अब ठीक हो रहे हैं, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यू ही चल रहा था, यानी 10-15 दिनों से ऐसे ही घर में वातावरण था उसके। उसकी पत्नी और उसका जो बेटा है रहमान वह दोनों भी नाराज थे लक्ष्मी की वजह से, क्योंकि लक्ष्मी दूध नहीं दे रही थी और करामत अली जो है पैसे घर में राशन के पैसे है वह पैसे लेकर लक्ष्मी को चारा लाता है। तो उसकी पत्नी और उसका बेटा नाराज होता है क्योंकि हमें ही पालने के लिए आपके पास ठीक तरह से पैसे नहीं है और हमारा पेट काटकर आप पैसे लेके जाते हो और लक्ष्मी के लिए चारा लाते हो, उस वजह से वह दोनों उदास थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुलाव लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे, वह बोली यानी पुलाव लाने के लिए, पुलाव यानी जो घास का सूखा डंठल रहता है उसको पुलाव कहा गया है यहाँ पे, यानी जो धानी रहती है उसके सूखे डंठल या उसमें से दाने निकालकर जो सूखा कचरा चारा रहता है उसको ही पुलाव कहते हैं। तो पुलाव लाने के लिए वह अपने पत्नी रमजानी से कहता है कि पैसे मुझे दो। मैं कहाँ से पैसे दूँ, यानी उसकी पत्नी रमजानी करामत अली को कहती है कि मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, यानी पहले लक्ष्मी दूध देती थी और दूध मैं बेचकर पैसे मेरे पास जो थे उसको जमा करके मैं लक्ष्मी का चारा लाती थी, पर अब दूध बंद हो गया, अब दूध नहीं है बेचने के लिए, तो मैं लक्ष्मी के लिए चारा कहाँ से लाऊं, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं, यानी दूध बेचकर मैं पैसे लाती थी और वही पैसे मैं आपको चारा लाने के लिए देती थी, पर अब दूध देती नहीं लक्ष्मी, तो मैं अब पैसे आपको कहाँ से दूं, ऐसी उसकी पत्नी करामत अली को कहती है। लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, यानी फिर वो गुस्से में आकर अपने पति को कहती है कि मैंने राशन के लिए जो ये पैसे रखे हैं ये पैसे लो। कहते हुए रमजानी ने संदूक में से 20 का तो 20 रुपए निकालकर संदूक में से वह करामत अली के हाथ पर रखती है कि निकालकर उसे थमाते हुए कहती है इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ, यानी वह गुस्से से पैसे निकालती है 20 रुपए और अपने पति जो है करामत अली उनके हाथ पर रखती है कि लो यह पैसे लो और लक्ष्मी के लिए राशन लेके आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, यानी वह जो है करामत अली वह अपने पत्नी को समझाता है ठीक है तुमने ये 20 रुपए की नोट मुझे दी है तो लक्ष्मी के 2-4 दिन आराम से निकल जाएंगे, पर उसकी पत्नी ने उसको गुस्से में वह रुपए दिए थे वह वो समझता नहीं है, उसको इतनी ही खुशी होती है कि लक्ष्मी के और 2-4 दिन निकल जाएंगे। ठीक है, 2-4 दिन लक्ष्मी के निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, यानी ऐसा कब तक चलेगा, कब तक मैं आपको राशन के पैसे उसके चारे के लिए दूं और कब तक हम
वैसे ही यानी भूखे रहेंगे, हमारा जो खाना है आप लक्ष्मी को दे रहे हैं और हम ऐसे ही कितने दिन निकालेंगे, ऐसा करेंगे हम कि लक्ष्मी को खुला छोड़कर देखेंगे, आजमाएंगे कि खुला छोड़ने के बाद में वह अपना पेट पालेंगी और पेट भरने के बाद में वह फिर घर आ सकती है, ऐसा हम करके तो देखे। ऐसी करामत अली की जो पत्नी है उसको समझाती है, कहते तो हो ऐसा करके देख लेंगे, यानी आप मुझे कह रही है इसलिए मैं जो हूँ वह ऐसा करके देखूंगा, ऐसे वह अपने पत्नी को कहता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हम दूसरे दिन क्या करता है कि करामत अली जल्दी ही उठता है और लक्ष्मी को वह 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ यानी जहाँ पे घास रहती है या झाड़ रहती है वहाँ पे छोड़ के आता है कि लक्ष्मी को वहाँ पे चारा मिलेगा और लक्ष्मी भरपूर चारा खाने के बाद में घर वापस आएंगी, तब हम उसे खूंटे को बांध देंगे, इस तरह से हम उसका 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 पेट भी भरेगा और वह हमारे घर पे ही रहेंगी, ऐसी जो ऐसी कहती है करामत अली की पत्नी और उसे समझाती है। तो इस तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का लेसन हम अगले पीरियड में लेंगे। थैंक यू।